कहीं बारिश तो कहीं कोहरा, हर तरफ किसानों का हाल बेहाल है। बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलों को तबाह कर दिया है। मौसम की मार से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मेहनत पर पानी फिर जाना, ये कहावत आप सभी ने सुनी होगी। दरअसल इस कहावत का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कहावत इन तस्वीरों पर सटीक बैठती है। ये रायबरेली की तस्वीर है जहां किसानों की फसल कैसे चौपट हो गई है, लेकिन कृषि अधिकारी इन हालातों को नजरअंदाज करते हुए कह रहे हैं कि अभी कोई ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है। जरा कोई इन जनाब से पूछे कि ज्यादा नुकसान किसे कहते हैं, क्योंकि किसानों की मेहनत तो बर्बाद हो ही गई। नहीं, ओलावृष्टि की जो आई हुई है उसमें निर्देश नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन ये है कि अगर कोई आपदा ऐसी आती है, ज़्यादा नुकसान होता है तो आपदा प्रबंधन से उसकी भरपाई की जाती है। लेकिन ऐसी अभी अपने जनपद में ऐसा कोई ओला नहीं गिरा जिससे भारी मात्रा में या काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ हो। वो छोटे छोटे गिरे हैं जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही मौसम रहेगा तो फसलों में बहुत ही बड़ा नुकसान हो रहा है। गेहूँ में नुकसान हो रहा है, इसमें बाढ़ नहीं हो रही, गेहूं रुका हुआ है, और सरसों में बहुत बड़ा नुकसान है, माहू लगने का डर है। उधर चना है, मटर है, ये सब नुकसान हो रहे हैं। और ऐसा ही मौसम रहेगा तो आम की फसल भी चली जाएगी, किसान चौपट हो रहा है। सरसों का बहुत नुकसान है और चना का नुकसान है, हैं, और गेहूं में गेरू माहू गेरू दौड़ रही है। ये सब तीन चार फसलों का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। यही हाल रहे तो पूरा बर्बाद। हाँ, पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर यही हाल रहेगा तो हर चीज का नुकसान है। बेमौसम हो रही बारिश से किसानों का हाल खराब हो रहा है। जहाँ एक तरफ कोहरा और पाला पड़ने से सब्जियां खराब हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम की मार बारिश काल का रूप लेकर आई है, जिससे चंदौली में किसानों का बुरा हाल है। R9 टीवी ने जब किसानों से बेमौसम हो रही बारिश और कोहरे से हो रहे नुकसान के बारे में पूछा तो किसानों का दर्द फूट पड़ा। बांदा में भी किसानों का यही हाल है। मतलब पाला लग रहा है, आलू एकदम उबाल गया, गोभी में फूल निकाल जा रहा है। सरकार ध्यान देने की बात करती है किसानों की, क्या कहेंगे? क्या ध्यान देगी, क्या कहेंगे? साढ़ भैंसा जितना है कि सब चल जाते हैं, एक को वहाँ होता नहीं है। 20-20 से 10-10 से कक में साढ़ चढ़ते हैं, सब खत्म हो जा रहा है। तो फ्लोरिंग हो रही, ऊपर से बरसात के कारण के फूल पूरे गिरे जा रहे हैं, इस कारण किसानों को नुकसान बहुत हो रहा है। क्षेत्र में क्या क्या इस समय बोया है किसानों के खेतों में? क्योंकि अपने क्षेत्र में 80 इंच ज़्यादा है तो लोग मसूर, मटर, लाही और बिजरी जो बोलते हैं, अलसी जी नहीं बोलते, वो बोल जाती है, उसमें नुकसान है किसानों। वहीं बारिश से हुई बर्बादी के चलते बाराबंकी और गोंडा में भी किसानों में मायूसी छाई हुई है। बारिश से बहुत नुकसान हो रहा है हमारे, मतलब गेहूँ के लिए कुछ कुछ फायदा है, बट बाकी हमारे जो आलू हैं, लहसुन है, मिर्चा वगैरह है और मक्की है, सरसों, इसके लिए बहुत नुकसान है। ये आलू से फायदा क्या, 2 साल से हम लोगों का नुकसान हो रहा है, खाद भी महंगी जा रही है, उसके बाद बीज भी इसका महंगा मिल रहा है, तो इस बार अगर आलू चला गया तो किसान के लिए और मतलब दिक्कत हो सकती है। गेहूँ में पानी लग गया है, सरसों में और जो है कढ़ाई में, उसका बहुत नुकसान हुआ है। कोई नहीं आया। क्या चाहते हैं? मदद मांगते हैं सरकार से, कुछ मिल जाए मदद। तो देखा आपने, लेकिन बर्बादी की कहानी महज गोंडा या बांदा तक सीमित नहीं है। अब ये तस्वीरें देखिए जो कन्नौज फरुखाबाद की है, जहां बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान आलू किसानों को हो रहा है। बारिश से आलू पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर है और किसान नुकसान की भरपाई के लिए सरकार भरोसे है। आलू से सबसे ज्यादा आलू का नुकसान हो रहा है, आलू राई का, ये सब सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसान किस तरह से परेशान है? अब परेशानी है, अभी मतदान चला गया, अभी महंगाई में जा रहा है सर, बिल्कुल ऊपर से बीमार हो रही, नीचे से भी कुदरत बीमार रहा, ऊपर से बीमार हो रही, बहुत परेशान है इस समय। बारिश आज इसके पहले भी हुई थी और अब 3 दिन हो चुके हैं बारिश फिर होते हुए। हमने सभी जिलाधिकारियों, तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि इस दौरान
ग्राम में फसलों का सर्वे करा लें, अगर कोई क्षति हुई है तो उसकी तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करें, उसका पूरा आकलन कर लें। मौसम में बारिश होने से आलू की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इस मौसम में बारिश होने से आलू की फसल को झुलसा रोग लग गया है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से आगरा के किसानों का भी हाल बेहाल है, जिसका जायजा लिया R9 टीवी संवाददाता शिव चौहान ने। बेमौसम हुई बरसात से किसान को चिंतित कर दिया है। अचानक दो दिन से लगातार हुई बारिश ने किसान की फसल को चौपट कर दिया। मैं इस वक्त ताजनगरी आगरा के ग्रामीण अंचल में मौजूद हूं और सबसे अधिक आलू और सरसों की फसल तकरीबन 60% नुकसान हुआ है। मैं सरसों के खेत में मौजूद हूं, आप देख सकते हैं फसल पकने को खड़ी हुई है, लेकिन अचानक हुई बरसात ने इस फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। किसान चिंतित है क्योंकि कई वर्षों से किसान की फसल चौपट हो रही थी और इस बार फसल अच्छी होने के बाद उसे इस फसल से काफी उम्मीद थी, क्योंकि किसान ने तमाम जगहों से कर्जा लेने के बाद ये फसल उगाई थी, लेकिन अचानक ही बरसात ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। किसान चिंतित है कि अगर प्रशासन उनको मुआवजा नहीं देता है तो शायद उनके सामने परिवार पालने का खतरा पैदा हो जाएगा। किसान का साफ तौर से कहना है कि प्रशासन हमको जल्द से जल्द इसका मुआवजा दे, नहीं किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएगा। इन तस्वीरों से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर साफ झलक रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस परेशानी से किसानों को कब राहत मिलती है और प्रशासन की तरफ से क्या मदद होती है। बांदा से मनीष निगम, फरुखाबाद से अनिल वर्मा, चंदौली से महेंद्र पटेल, आगरा से शिव चौहान, कन्नौज से अमित मिश्रा, बाराबंकी से सरफराज वारसी, गोंडा से शिवानंद के साथ रायबरेली अमरेश कुमार, R9 टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।